जैसे मैंने डॉग की वीडियो डाली थी तो मुझे हमारे भाई साहब हैं, एक स्टूडेंट हैं, इन्होंने मुझे मैसेज किया, कमेंट किया, मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि आप मेरे घर पे आए। मैंने भी इस काम को स्टार्ट किया है 2 साल से, तो मैं आपको एक स्टूडेंट से मिलवाऊंगा। और जो युवाओं में एक जागरूकता आई है कि नौकरी की बजाय वो अपने धंधे या एक शौक को कैसे हम एक रोज़गार में बदल सकते हैं, उस रूप को मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये हम हमारे कार्तिक भाई साहब। तो वीर जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, क्या हाल चाल है सर? तो सर, ये इनका घर है, तो ये अपने घर पे अपने साथ ही डॉग्स को रखते हैं। तो सर, आप लेके चले अपने डॉग्स के पास। तो फिलहाल इन्होंने शाम का समय ऊपर रख रखे हैं, तो ये इनका छत पे हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर का डॉग कैनल कह सकते हैं, छोटा सा डॉगों का अपना घर कह सकते हैं इनका। तो दोस्तों, तो सर आपको नमस्कार। सर, आप इनको बांध लें, ऐसे तो हमारी वीडियो बनेगी नहीं, मुश्किल होगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनके डॉग हैं। तो सर बताएं, इसकी क्या खासियत होती है, इसका कितना प्राइस चल रहा है, क्या करेक्टर, इसके क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं? तो ये एक तो जैसे आपको मैं इससे पहले क्वालिटी के बारे में बता देता हूँ। जी, जैसे इसका फेस है, आप देख सकते हो, बहुत पंच फेस है, आगे से बिल्कुल ही छोटा फेस है। ओके, तो काफी डॉग्स ब्रीडर होते हैं जो ओके वो मतलब के पिटबुल को कहते हैं, बुल्ली क्या के सेल कर देते हैं। ओके, कहते हैं बुल्ली है पर उसको पिटबुल दे देते हैं। ओके, तो बहुत ही फेक ब्रीडर्स भी बहुत आए हुए हैं। ओके, यानी कि इनमें, इन दोनों ब्रीड्स में थोड़ा ही अंतर होता है। हाँ जी, तो बट पिटबुल तो बार्क करती है, उनकी काट लेती है किसी को भी। और वैसे फ्रेंडली डॉग भी होते हैं पिटबुल, ऐसा नहीं है कि वो किसी को काट लेते हैं, पर ये बुल्ली जो होते हैं बहुत ही फ्रेंडली डॉग्स हैं, बहुत ही मतलब कि ये फैमिली में, मेरे फैमिली में घूमते रहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, बस देखने में थोड़ा डरावना लगता है। देखने में डरावना, और थोड़ी रक्षा भी करते हैं, थोड़े भौंकते भी हैं क्या? जैसे कोई अनजान बंदा आता है ऊपरा, तो उसको तो भौंकते हैं पूरा, और कहते कुछ नहीं है, वैसे काटते वगैरह नहीं है, फ्रेंडली है थोड़ा। हाँ जी, थोड़ा है, आप देखोगे दोस्तों, थोड़ा है तो डेंजरस ही है, फेस देखें आप कितना खतरनाक है। और सर, इसका प्राइस कितने से कितने तक वैरी करता है, ये भी आप हमें बताएं। सर, जो आप इसी क्वालिटी का सेम मेरे पास 2 मंथ के बाद पपी अवेलेबल होंगे। ओके, तो इसका प्राइस 25 या 20 ऐसे मिल जाते हैं। ओके, तो मेरे पास बहुत ही चीप प्राइस में पपी अवेलेबल होंगे, ओनली फॉर 18,000 का मेल, इसी क्वालिटी का सेम, 18,000 में आप अवेलेबल कराओगे। तो अठारह हजार में आप इसके पप्पी अवेलेबल कराते हो। हाँ जी, ठीक है। और अगर इसमें नॉर्मल हाई क्वालिटी तक कितना प्राइस रहता है, और नॉर्मल कितना प्राइस रहता है? जैसे इंपोर्ट लाइन का होता है वो 1,00,000 का भी आ जाता है, 1.5 लाख का भी। ओके, तो वो इंपोर्ट लाइन में चला जाता है, जैसे बहुत ही मतलब की इससे हाई से हाई प्राइस पड़ा है, जैसे इंपोर्ट लाइन के हो गए। इंपोर्ट लाइन के नहीं है ये, ओनली सिंपल डॉग्स हैं, सिंपल डॉग है, इंडियन डॉग है। हाँ जी, हाँ जी। ओके दोस्तों, तो सर मैं एक बात यहाँ पे और देख पा रहा हूँ, जैसे गर्मी आ चुकी है, ये कुत्ता काफी मतलब कि हाँफ रहा है, तो ये इनका गर्मी में ऐसे ही प्रोसेस चलता है या अभी दोपहर से का समय है? जैसे अब थोड़ा वेदर बहुत ही वो हॉट सा हुआ हुआ है, ओके, गर्मी से वाला वेदर हुआ हुआ है, तो इसलिए ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा गर्मी बहुत महसूस करते हैं। तो वैसे तो सारा दिन ये घर नीचे ही पड़े रहते हैं, कूलर में एसी लगा हुआ है कमरे में, तो उसमें पड़े रहते हैं। ओके, तो और इसकी स्टड फीस भी आप हमें बताना चाहते हैं तो बता दें, वो भी आप स्टड फीस भी। तो इसकी स्टड फीस ओनली फॉर 8,000 रुपीज है, 8,000 में हम इसकी मीटिंग करवा देते हैं, 2 मीटिंग। ओके, हाँ जी। तो कई बहुत जो ब्रीडर्स होते हैं वो 25-20,000 मीटिंग की फीस मांगते हैं। ओके, तो आप क्वालिटी देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, कॉन्टेक्ट नंबर हमें अवेलेबल कराएं, ताकि कोई दोस्त हमारा आपसे संपर्क करना चाहता है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो वो भी आपसे ले सके। मेरा नंबर है 7988570530। ओके, तो सर से आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा एक छोटा सा चैनल भी है, स्मॉल चैनल, HR डॉग वर्ल्ड के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके इनके चैनल पे जा सकते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में और इसकी ले सकते हैं। कोई सवाल अभी भी बचा है तो आप मुझे बता देना, मैं सोच रहा हूँ सभी ब्रीड्स के बारे में आपको वीडियो देता रहूँ कि किसका क्या प्राइस चल रहा है, ताकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।